कॉन्ग्रेचुलेशन वेब दुनिया, आपके 18 साल पूरे हुए हैं एंड ऑल आई कैन से इज गुड लक फॉर फ्यूचर, और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। दिवाली पर शाहरुख खान की फिल्में सफल ही रहती हैं। शाहरुख की तरह अजय देवगन के लिए भी दिवाली लकी साबित हुई है। पिछले 10 सालों की बात करें तो इनमें से 6 दिवाली पर अजय की फिल्में रिलीज हुई हैं और ज्यादातर कामयाबी ही उनके हाथ लगी है। 2008 में अजय देवगन की गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कामयाबी हासिल की। 2009 में भी अजय और रोहित ने अपनी फिल्म ऑल द बेस्ट प्रदर्शित कर दी। इस फिल्म का मुकाबला सलमान की मैं और मिसेस खन्ना और अक्षय कुमार संजय दत्त की ब्लू जैसी भारी भरकम फिल्मों से था। अजय की फिल्म ने इन फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया। अब हैट्रिक की बारी थी। 2010 में भी अजय देवगन की और रोहित शेट्टी की गोलमाल 3 प्रदर्शित हुई। इसके सामने अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय बच्चन की एक्शन रिप्ले रिलीज हुई। फिर वही बात हुई, अक्षय की फिल्म फ्लॉप और अजय की सुपरहिट। अजय समझ गए कि दिवाली उनके लिए सफलता लेकर आती है। 2012 में सन ऑफ सरदार रिलीज हुई। सामने शाहरुख खान जब तक है जान लेकर हाजिर हुए। जोरदार मुकाबला हुआ जो बराबरी पर छूटा। हालांकि अजय की फिल्म थोड़ी आगे ही रही। शिवाय नामक महत्वाकांक्षी फिल्म जब अजय देवगन ने प्लान की तो रिलीज के लिए दिवाली को ही उन्होंने चुना। 2016 में शिवाय रिलीज हुई। सामने रणबीर कपूर की ए दिल है मुश्किल थी। मुकाबले के पहले खूब मुंहजोरी भी हुई। इस बार अजय की पराजय हुई, शिवाय फ्लॉप हो गई। 2017 में अजय देवगन की गोलमाल अगेन रिलीज हो रही है और उम्मीद है कि यह फिल्म कामयाबी हासिल करेगी।